चलिए ओके, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हो आप लोग? चलिए ओके, आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जोरदार होंगे, शानदार होंगे। जल्दी जल्दी आ जाइए सारे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके गाइस, नाउ कल जो हमने पढ़ा था, चलो अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं। आओ आओ भाई, कल जो पढ़ा था शुरू करते हैं आज। चलो जी, पढ़ाई शुरू करेंगे। आज शनिवार का दिन है भाई, शनिवार का दिन है ना? शनि शनिवार राती सनु नींद नहीं आती, है ना भाई? आज रैप सुनाना, हर्ष कहता रैप सुना देंगे, कोई बात है भाई? थोड़ा क्लियर नहीं है भाई आवाज, आवाज क्लियर नहीं है कि स्क्रीन क्लियर नहीं है? आवाज क्लियर नहीं है कि स्क्रीन क्लियर नहीं है? चलो ओके, दोनों क्लियर है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो जी ओके जी, अभी ध्यान देंगे सारे, सभी लोग को ध्यान देना मेरी तरफ। कम ऑन एवरीवन, हियर वी गो पब्लिक। लॉ ऑफ टॉट में हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? विकेरियस लायबिलिटी हमने शुरू किया था। चलो जल्दी से एक बार कल जो पढ़ा था उसका सेक्सी रिवीजन कर लेते हैं, एकदम सेक्सी। सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर, नो नो, जादू ये जादू किया किया रे। चलिए आ जाइए भाई, स्क्रीन जूम करो ना। अरे कर देते हैं भाई, तुम जो जूम करने बोलोगे कर दूंगा। बस क्या, बस क्या, तुम जो जूम करने बोलोगे कर दूंगा यार, कोई बात है क्या? ठीक है, कोई बात है क्या यार? तुम जहां जहां जूम करने बोलोगे वहां वहां जूम कर देंगे, कोई बात है क्या तुम्हारे लिए? चलो अभी ध्यान देंगे एवरीवन, आ जाओ नाउ। सब लोग ध्यान से सुनना मेरी बात, सब लोग को ध्यान देना है, ठीक है? सब लोग को ध्यान देना है, एकदम अच्छे से, शिद्दत से, प्यार मोहब्बत से आ जाओ भाई, ठीक है? आ जाओ सारे। हाँ अमृता कह रही है रिवीजन भी सेक्सी होती है। हाँ रिवीजन भी सेक्सी होती है, आज कराता हूँ मैं तुम्हारे को सेक्सी वाली। चलिए ओके ओके भाई, अभी ध्यान देंगे सारे, ठीक है? ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था दोस्तों? विकेरियस लायबिलिटी पढ़ लिया था। क्या था विकेरियस लायबिलिटी? करे कोई और, भरे कोई और। एजेंट की गलती प्रिंसिपल लायबल, एक पार्टनर की गलती सारे पार्टनर लायबल, सर्वेंट की गलती मास्टर लायबल। इसे हम क्या कहते थे? विकेरियस लायबिलिटी, याद है? इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम विकेरियस लायबिलिटी कहते हैं। इसे हम विकेरियस लायबिलिटी कहते हैं कि भैया एजेंट की गलती प्रिंसिपल लायबल, एक पार्टनर की गलती सारे पार्टनर लायबल, सर्वेंट की गलती मास्टर लायबल। इसे हम कहते हैं विकेरियस लायबिलिटी। अच्छा विकेरियस लायबिलिटी कहां से आया था? तो प्रिंसिपल एंड एजेंट में मैक्सिम थी, मैक्सिम का नाम था कुई फैसेट पर एलियम फैसेट पर से। इसका मतलब वन हु एक्ट थ्रू अदर इज एक्टिंग हिमसेल्फ। अगर कोई किसी और से काम कराता है इसका मतलब वो खुद काम कर रहा है, याद आया क्या? अगर आप किसी और से काम करा रहे हो इसका मतलब आप खुद काम कर रहे हो, ठीक है? याद आया कि नहीं आया बताओ? अगर आप किसी और से काम कराते हो इसका मतलब आप खुद काम करते हो, इसका ये मतलब होता है ना बच्चा? ओके बच्चा, चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं। बच्चा अभी आओ, अभी सब लोग ध्यान से सुनना मेरी बात, सारे ध्यान से सुनेंगे, एकदम शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, जबरदस्त तरीके से। सब लोग को ध्यान देना मेरी बात पे, ठीक है? सब लोगों को ध्यान देना मेरी बात पे। एजेंट की गलती प्रिंसिपल लायबल, एक पार्टनर की गलती सारे पार्टनर लायबल, ठीक है? मैक्सिम कौन सी थी? कोई फैसेट पर एलियम फैसेट पर से को, अगर वन हु एक्ट थ्रू अदर इज एक्टिंग हिमसेल्फ। अगर आप किसी और से काम करा रहे हो इसका मतलब खुद काम कर रहे हो भाई, किसी और से काम कराते हो तो इसका मतलब आप खुद काम कर रहे हो, सीधी सी बात है। मैं मेरे छोटे भाई को कहता हूँ जाओ उसको मार के आता, मतलब मैं नहीं मारा है उसे, किसी और से काम कराते हो मतलब खुद काम कर रहे हो, ठीक है? एक पार्टनर की गलती सारे पार्टनर लायबल, एजेंट की गलती प्रिंसिपल लायबल, सर्वेंट की गलती मास्टर लायबल। इसमें एक और मैक्सिम हमने देखी थी, रिस्पॉन्डेंट सुपीरियर। इसमें हमने देखा था कि लेट द प्रिंसिपल बी लायबल, मतलब इसका मतलब होता था लेट द प्रिंसिपल बी लायबल, है ना? केस देखा था हमने कल सेक्सी सा, सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस नदन आयरलैंड रोड ट्रांसपोर्ट बोर्ड। क्या देखा था इस केस में? कि एक डायरेक्टर डायरेक्टर होता है, उसको सिगरेट की तलब लगती है, वो सिगरेट जलाने के लिए माचिस जलाता है और उसी समय वो पेट्रोल से पेट्रोल की लॉरी अंडरग्राउंड ट्रांसफर कर रहा होता है और माचिस की तीली फेंकता है, ब्लास्ट होता है। लायबल कौन होगा? कंपनी लायबल होगी, डायरेक्टर की गलती कंपनी लायबल, बिकॉज सर्वेंट की गलती मास्टर लायबल। निधि कह रही है सर आज बड़े सेक्सी लग रहे हो, है ना? देखो जिम विम का असर दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा दिख रहे नहीं ट्राई से? पहले तुम बोला करो यार सर, क्या सर बॉडी दिख रही सर, पहले से अच्छी दिख रही सर, अभी मैं रोज जिम जा रहा हूँ यार,
बोलने का रहता है यार, तुम यार बोलते नहीं हो यार, मेरे को क्या मोटिवेशन आता है। ये देखो दिख रहे ना ट्राइसेप, दिख रहे ना थोड़े, ये बॉडी देखो बनी ना थोड़ी बनी। ए, तुमने बोले कुछ उठपटांग तो देखो फिर, बनी ना थोड़ी बहुत बॉडी। वेरी गुड, ओके चलिए भाई आ जाओ। अच्छा बोला था कि मैंने देखा नहीं, ओके भाई ठीक है। चार्जिंग 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 भैया, मेरे को जिसने भी चार्जिंग याद दिलाई है ना, भगवान उसको इतने बच्चे दे वो पागल हो जाए बच्चे कर करके। जिसने भी मुझे चार्जिंग दिल की याद दिलाई है ना, भगवान भाई तुम्हारे को बच्चे का भंडार लगा दे तेरे घर, है ना। कम से कम 250 बच्चे होने चाहिए, कम से कम 250 बच्चे, ठीक है, कम से कम 250 बच्चे होने चाहिए तेरे घर, कम से कम मिनिमम 250 तो चाहिए भाई। ठीक है चलो आ जाओ आप सारे, अब आइए जी। अब ध्यान देना सब लोग दोस्त, ठीक है, अब सब लोग ध्यान देना। कोई कहता है कुछ, हाँ तो भैया अभी आएगा सर, आएगा आएगा सर, आएगा, टेंशन मत लो। अरे यार हाँ, स्क्रीन जिसको क्लियर नहीं है मैं जूम करता हूँ, टेंशन मत लो आप, इस पे ध्यान दो। एक्चुअली जूम पे क्या होता है ना, जितना अच्छा इंटरनेट होता है उतना अच्छा स्क्रीन दिखती है, थोड़ा इंटरनेट में थोड़ा फ्लक्चुएशन आते हैं तो स्क्रीन ब्लर हो जाती है। अभी ध्यान देंगे सारे। तो ये सेंचुरी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस नदन आयरलैंड रोड ट्रांसपोर्ट बोर्ड का केस था कि एक डायरेक्टर होता है पेट्रोल की लॉरी से पेट्रोल ट्रांसफर कर रहा होता है, माचिस मतलब जलाता है सिगरेट पीने के लिए, माचिस फेंकता है, ब्लास्ट होता है, लायबल कौन होगा, कंपनी लायबल हुई, ये डिसाइड हुआ वो केस में। अच्छा एक और केस था बेली वर्सेस मैनचेस्टर शेफील्ड का, इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था दोस्तों कि इसमें क्या हुआ था, एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने किसी को बोल दिया तू गलत ट्रेन में आ गया, जबकि वो सही ट्रेन में था, उसको उतार दिया बेचारे को। तो ये भी टॉट है, आंसर इज यस, ये भी टॉट कहलाता है ना, ये भी टॉट कहलाता है। चलो अब ध्यान देंगे आ जाओ, नेक्स्ट है दोस्तों, ठीक है नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, सब लोग ध्यान देना यार, नेक्स्ट है। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर की गलती के लिए कौन लायबल होगा बताओ, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर की गलती के लिए कौन लायबल होगा, क्या लगता है जल्दी बताओ, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर की गलती के लिए कौन लायबल होगा। अरे भैया जितने लोगों ने कल की क्लास मिस की थी ना, यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड हो गया कल का, वहां देख लियो, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर के लिए की गलती के लिए कौन लायबल होता है ना। आपके घर कोई इलेक्ट्रीशियन आया, प्लम्बर आया, कोई बिजली वाला आया, कारपेंटर आया, कोई भी आया और कोई भैया कर दी गलती उसने, कौन लायबल होगा, तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर की गलती के लिए इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर स्वयं लायबल होता, स्वयं। लेकिन कुछ केसेस में इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर की गलती के लिए वो खुद लायबल नहीं होता, एम्प्लॉयर लायबल होता है। ऐसे कौन से केस हैं आओ देखते हैं। सबसे पहला था स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, तीन ऐसे केसेस हैं जहां पे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर की गलती के लिए एम्प्लॉयर लायबल होता है, सिर्फ ऐसे तीन केसेस हैं। उसमें सबसे पहला जो केस है वो है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अगर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है ना, अगर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है ना, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ठीक है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है ना अगर, तो भैया गलती किसी की भी हो लायबल तो मालिक ने होना है। जैसे कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मतलब क्या, रेलेंड वर्सेस फ्लेचर है ना, पानी की टंकी बनाने के लिए खोदी जमीन, ठीक है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर ने पानी डाला, पानी यहां से निकल के बाजू वाले के यहाँ, कौन लायबल कौन हुआ था बताओ जरा, कौन हुआ था लायबल, तो भाई साहब लायबल कौन हुआ था, कौन हुआ था बताइए। वेरी गुड, लायबल हुआ था इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर की गलती थी तो भी लायबल कौन हुआ था, मिल ओनर स्वयं लायबल हुआ था। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में ना भाई साहब गलती किसी की भी हो लायबल तो ओनर ने होना है। ये याद है रेलन वर्सेस फ्लेचर वाला केस, याद आया कि वो पानी की टंकी खुदवाता है ना, रिजर्वेयर बनवाता है इंजीनियर से, और इंजीनियर की गलती के कारण पूरा पानी बाजू में चला जाता है, तो बाजू वाला केस करता है बाजू की कोल माइन वाला, तो डिसाइड हुआ लायबल कौन होगा, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर जो है उसकी गलती है, फिर भी लायबल कौन होगा, एम्प्लॉयर खुद, एम्प्लॉयर खुद लायबल होगा, ये हमने देखा था। उसके बाद मैंने और एक केस बताया था, मैंने एक और केस बताया था, किसको याद है बताओ, सॉरी एक और केस बताया था जब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर की गलती के लिए एम्प्लॉयर लायबल होता है, जल्दी बताओ वो कौन सा केस था। एक और केस बताया था मैंने, एक और केस बताया था भिड़ू, बताओ भिड़ू, एक और केस बताया था भिड़ू, याद करो भिड़ू, बताइए भिड़ू, जल्दी से भिड़ू, यस, तो वेरी गुड गाइस। तो जब एम्प्लॉयर उसको बोलता है,
आपकी एक्स वाला। अबे तो ऐसे एग्जाम्पल याद रखते होगे तुम लोग। मैंने कहा कि एम्प्लॉयर और कब लायबल होता है, सारे कहते हैं आपकी एक्स वाला। अबे झंडुओं एग्जाम में ऐसे थोड़ी लिखोगे भाई, तुम ऐसे थोड़ी हाँ मतलब एग्जाम्पल से याद कर रहे होगे चीजों को। चपेट पड़ेगी दो, अभी मेरे को आंसर चाहिए। ये क्या होता है आपकी एक्स वाला है? मान लो मेरी एक्स में कंफ्यूज हो गए तुम तो, हो गए लग गए वहां, हो गए मान दे फिर तो हद है मतलब। चलिए ओके, चलिए जी अभी ध्यान देना। सुनाओ दोस्तों, ध्यान देंगे सारे। सारे कहते हैं आपकी एक्स वाला, हद है यार, नया लाए तुमने मार्केट में आपकी एक्स वाला। सर मतलब बढ़िया है, एग्जाम में ऐसे लिख के आना आपकी एक्स वाला, चेकर भी तुमको मार्क्स देता अच्छे वाले, वहां ऑप्शन ही नहीं होगा पहली बात तो। पर फिर भी चलो ओके, अब ध्यान दो मेरे पे, ध्यान दो सब लोग। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की गलती के लिए वही लायबल होता है वैसे तो, लेकिन तीन ऐसे केसेस हैं जब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की गलती के लिए लायबल एम्प्लॉयर होता है। तीन केस कौन से? पहला स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, दूसरा है व्हेन एम्प्लॉयर ऑथराइजेस हिम टू डू अ टॉर्ट, जब एम्प्लॉयर उसे कहता है कि तू टॉर्ट कर, जब एम्प्लॉयर सर्वेंट को कहता है तू कर टॉर्ट, तू कर कर टॉर्ट कर कर तू टॉर्ट कर, दबा के कर तू टॉर्ट, ठीक है। सो एम्प्लॉयर कहता है अपने सर्वेंट को तू कर टॉर्ट, मैं देख लूंगा, तो लायबल कौन होगा? एम्प्लॉयर ही होगा, सीधी सी बात है। सर इसका एक और एग्जाम्पल दो ना। सर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी तो आपने बता दिया, देखो इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ, एक और एग्जाम्पल देता हूँ बेस्ट वाला, ठीक है। मान लो अपनी क्लास में, मान लो अपनी क्लास में नैन्सी राजपूत कह रही है सर आप इग्नोर कर रहे हो, तो ये नैन्सी राजपूत का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो नैन्सी राजपूत है अपनी क्लास में, इसका ना एक्स आया हुआ था इसके ऑफिस में, ठीक है। सर ये वाले एग्जाम्पल सारे एक्स के होते हैं, पढ़ो ना तुम, पंचायती बहुत करते हो। नैन्सी राजपूत का एक्स आया हुआ था उसके ऑफिस में, ठीक है। तो नैन्सी राजपूत ने अपने नौकर को कहा उस कमीने पे जाके गरम गरम चाय गिरा गिरा दो, और ऐसी जगह गिराना, सर्वेंट को कहती है ऐसी जगह गिराना चाय, तलबला उठे वो, है ना, तड़प तड़प के जल जाए, है ना, जल जाए उसका फ्यूचर प्रोडक्शन बंद हो जाए, उसकी इंजन खराब हो जाए उसका, ठीक है, उसका इंजन खराब हो जाए, फ्यूचर प्रोडक्शन बंद हो जाए, ऐसी जगह चाय गिराना किसको कहती है? नौकर को कहती है। तो इसका नौकर गया, उसने तो फेंक ही दिया ऐसे चाय, ऐसे फेंक दिया बस, और ऐसी जगह चाय गिरी भाई की, ओ हो, दिल वाले पूछ देने चा, ओ। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि लायबल कौन होगा? सर्वेंट लायबल होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आरेज होता है कि लायबल कौन होगा? लायबल, ठीक है, लायबल कौन होगा? ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन आरेज होता है कि लायबल कौन होगा, तो आंसर इज, याद रखना, तो लायबल जो है मेरे दोस्त, याद रखना कि नैन्सी खुद होगी लायबल, ठीक है, नैन्सी खुद होगी लायबल, ओनर लायबल होगा, बिकॉज उसने ही कहा था सर्वेंट को टॉर्ट करने, ठीक है। जब आप ही कहते हैं सर्वेंट को टॉर्ट करने, तो आप खुद लायबल होते हैं पर्सनली। अरे नंबर से बहुत कॉल आ रहे हैं यार, एक मिनट उनको बोलूं क्या कुछ? हेलो हेलो मोदी सर। अरे बेटा, मोदी सर की शादी चल रही है बेटा। बाप रे, इतनी जल्दी? हाँ, उनकी शादी चल रही है और बस सातवां फेरा चल रहा है, उसके बाद में सुहागरात मना के कॉल करते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं सर, थैंक अरे यू। होने दो आपका, आराम से होने दो। करता हूँ लेक्चर के बाद। भाई ओके ओके, कौन बोल, कौन रहा है? वेदांत राउत। वेदांत? क्या ठीक है, ओके। इतने कॉल आ रहे हैं भाई के, सुबह से कॉल आ रहे हैं, मैं सुबह से लेक्चर में हूँ। चलिए ओके भाई, अभी ध्यान देना, आ जाओ नेक्स्ट गाइस, ध्यान देना, ठीक है, अभी ध्यान देना जल्दी से, ठीक है, अभी ध्यान देंगे गाइस। तो यस, तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर की गलती के लिए एम्प्लॉयर कब लायबल होता है? सारे सारे ध्यान देना, ठीक है। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर की गलती के लिए एम्प्लॉयर कब लायबल होता है? सारे ध्यान देंगे दोस्तों, ठीक है, ठीक है, ध्यान देंगे सारे, ठीक है, सारे ध्यान देंगे। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर, ठीक है, निधि कहती है आप सच में बहुत घमंड है, आप कॉल नहीं उठाते आप। अरे भाई लेक्चर में रहते तो कैसे कॉल उठाएंगे निधि जी, समझो ना, एक तो आपका नाम निधि है, उसके ऊपर ऐसी बात कर रहे हो आप, हद है मतलब। निधि जी हद नहीं हो गई है थोड़ी सी? निधि जी लेक्चर में होते हैं तो नहीं हो पाता है। चलिए ओके, अभी ध्यान देना, ओके जी, अभी ध्यान देना सब लोग।
तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर की गलती के लिए एम्प्लॉयर कब लायबल होता है? जब उसी ने उसको काम करने का हो, या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हो। तीसरा है जब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर नेग्लिजेंट हो, ठीक है। तीसरा है मनीषा, वो लास्ट में बताता हूँ, ठीक है, ध्यान देना। तीसरा है जब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर नेग्लिजेंट हो। मेरे को बताओ नेग्लिजेंट मतलब क्या होता है? मेरे को बताओ नेग्लिजेंट मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय नेग्लिजेंट? व्हाट डू यू मीन बाय नेग्लिजेंट? नेग्लिजेंट मतलब क्या होता है बताओ? नेग्लिजेंट मतलब होता है बेपरवाही। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड गाइस, प्राउड ऑफ यू गाइस, वंडरफुल गाइस। नेग्लिजेंस मतलब होता है बेपरवाही। तो अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर नेग्लिजेंट है, लापरवाह हो आप, मतलब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर आपका लापरवाह है, तो भी लायबल आप एम्प्लॉयर होता है। सर लापरवाह वो है, लायबल हम होंगे। लेकिन लापरवाही ऐसी होनी चाहिए जो आपको पता थी कि वो लापरवाह है। ऐसे कैसे पता होगा सर हमें वो लापरवाह है? मैं बताता हूँ। एक केस था, बड़ा प्यारा केस था, सुनना। यही वाला केस है, मैं समझाता हूँ। क्या हुआ था? घर बन रहा था 10वें माले पे। उसमें खिड़की के पास ना एक पाना पेंचिस रखा था, खिड़की के पास पाना पेंचिस, समझते हो ना। हवा चल रही थी जोरों से और पाना पेंचिस खिड़की के पास पड़ा था। एम्प्लॉयर भी वहीं खड़ा था, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर भी वहीं खड़ा था, मतलब कारपेंटर भी वहीं था, और जिसने कारपेंटर को अपॉइंट किया वो भी वहीं था। जिसने कारपेंटर को अपॉइंट किया उसको पता था कि पाना पेंचिस कभी भी गिर सकता है, और जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर है वो नेग्लिजेंट है। मान लो मेरा ही घर था, मेरे को पता था कि हाँ भाई ये पाना पेंचिस कभी भी गिर सकता है, मेरे को पता था कि मेरा कारपेंटर बड़ा लापरवाह है, और मैं देखता रहा। मैंने कहा गिरेगा तो गिरेगा, छोड़े यार, देखी जाएगी यार, छोड़ यार, मैंने कहा। और एकदम से हवा चली और पाना नीचे गिरा, पाना पेंचिस नीचे गिरी, और नीचे से जा रहे थे अपने आशीष सर, नीचे से अपने जा रहे थे आशीष सर, पट से हेडशॉट, टाणाणा, ठीक है। तो भाई कौन सा डांस हो गया, समझ रहे हो ना? तो भैया 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 लायबल कौन होगा आप बताओ? चलो आपके हिसाब से लायबल किसने होना चाहिए, लायबल कौन होगा? कल का लेक्चर नहीं है यूट्यूब पे भक्ति बेटा, मन की आंखों से देखो, दिखेगा यूट्यूब पे लेक्चर, मन की आंखों से देखो बेटा, मन की आंखों से देखो, लेक्चर नंबर 9 यूट्यूब पे है, मेरे को दिख रहा है, मन की आंखों से देखो बेटा, दिख जाएगा। जब चीजें साफ 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 ना दिखे तो मन की आंखों से देखो। चलिए बताइए दोस्त, कम ऑन दोस्त। तो भैया याद रखना सारे, मैं लायबल रहूंगा, ओनर लायबल रहेगा। अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर बेपरवाह है, लापरवाह है, तो और आपको ऐसी लापरवाही है जो आपको दिख रही है, साफ साफ समझ आ रही है, तो उसके लिए आप ही लायबल होते हैं। जो मेरे से केस में हुआ, मेरे को दिख रहा है मेरा इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर लापरवाह है, पाना पेंचिस कभी भी नीचे गिर सकती है, किसी को भी पट से हेडशॉट पड़ सकता है, लेकिन मैं भी चंगा, मेरा प्यो भी चंगा, मेरी माँ भी चंगी, रिश्तेदार जो होते हैं बड़े अच्छे होते हैं, बड़े कूल हूँ, गाने वाने गा रहा हूँ। मैं कहा गिरेगा तो गिरेगा, देखी जाएगी भाई, और गिरा पाना एकदम से, और किसी को पट से हेडशॉट, लायबल मैं रहूंगा, ठीक है। सो याद रखना, अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर नेग्लिजेंट है, वो इस तरीके से नेग्लिजेंट है जो आपको पता है, तो आप ही लायबल होते हैं। सर इसका एक और एग्जाम्पल दो ना सर, इसका सर कैसा करते सर आप? चलो इसका एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मान लो मैं डॉक्टर हूं, ठीक है। मैं कौन हूं? डॉक्टर, ठीक है। बचपन में मेरे से कोई पूछता था ना तू क्या बनेगा, तो मैं कहता डॉक्टर बनूंगा। उसके बाद जब साइंस पढ़ा ना, मुझे माफ करना ओम साई राम, सबसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम, ठीक है। जब साइंस देखा ना, वो तो भाई क्या, अबे कैसे पढ़ते हैं लोग वो केमिस्ट्री को, है ना, ये इसमें ये वाला केमिकल मिलाओ तो ये बन जाता है, कॉस टीटा साइन टीटा फलाना ढिकाना, गणित, उसके बाद में चलो गणित तो फिर भी ठीक है, वो फिजिक्स भाई कैसे पढ़ लेते हैं लोग। केमिस्ट्री तो सबसे वाहियात लगता था मेरे को, वाहियात सब्जेक्ट। उसमें किसका केमिकल कहाँ मिलाओ तो क्या बन रहा है, ये मिलाओ तो वो बन रहा है, ये केमिकल से ये होता है, इतना वाहियात भाई साहब। बायोलॉजी में एक ही चैप्टर अच्छा लगता था, एक चैप्टर बस, है ना, एक ही चैप्टर अच्छा लगता था, और अभी तक थ्योरेटिकली ही देखा है बस,
टेंथ क्लास से इच्छा थी कि कभी प्रैक्टिकली उस चैप्टर को प्रैक्टिकली पढ़े। देखो अब जिंदगी कब उसको प्रैक्टिकल करवाती है, बट चलो वो बात अलग है। बट बता रहा हूँ कि साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं था बचपन से। मान लो से फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं डॉक्टर हूँ, मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, मान लीजिए ऐसा कि मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है जी, ठीक है जी, मैं डॉक्टर हूँ, और हुआ क्या ना, मेरे यहाँ पे कोई पेशेंट आया, पेशेंट पेशेंट आया। अब उस मैं था डॉक्टर दिल का, क्या अपन दिल के डॉक्टर हैं, हार्ट के डॉक्टर, अपन दिल के डॉक्टर हैं, तो मैं दिल का डॉक्टर था। अब उस मेरे पेशेंट को तकलीफ लिवर में थी, लिवर में, और मेरे को लिवर का कुछ काम नहीं आता, मेरे को सिर्फ, मैं बैक बेंचर हूँ, सिर्फ हार्ट का काम आता है, बाकी मेरे को कुछ काम नहीं आता, लिवर विवर का कुछ नहीं आता। तो मैंने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्टर, एक डॉक्टर बुलाया जो कि लिवर के लिए स्पेशलिस्ट है। मैंने कहा मेरे यहाँ पे आओ, मेरे क्लिनिक में आओ, ऑपरेशन करो, मेरे सामने करो। तो मैंने उसको बुलाया, किसको किसको बुलाया, एक डॉक्टर को बुलाया जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, मेरे लिए वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हो गया। मैंने कहा तुम मेरे सामने ऑपरेशन करना, मैं देखूंगा साफ साफ, मेरा क्लाइंट है, मैंने कहा ये तुम मेरे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर बन के आओ। तो वो व्यक्ति आया, लिवर का डॉक्टर। अब वो था, गुटखा खाता था, गुटखा खाता, तो गुटखा पता है, गुटखा तंबाकू। ए भाई सब बढ़िया, सब ठीक है ना, घर में सब ठीक है, सब बढ़िया। तो गुटखा खाता था, तो वो ऑपरेशन करते करते भी गुटखा खा रहा है। अब मैं कहा खा रहा है तो खा रहा है, छोड़ यार, मेरे को मना कर देना था कायदे से, लेकिन मैं भी नेग्लिजेंट, वो भी नेग्लिजेंट। मैंने कहा खा रहा है तो खा रहा है, छोड़। अब उसको थूकना था गुटखा, गुटखा थूकना था, जगह नहीं मिल रही थी, कहाँ थूके कहाँ थूके। तो उसने मेरे से पूछा, ये उसने मेरे से पूछा कि पेट खाली है पेशेंट का, यहीं थूक दूँ पेशेंट के पेट में, बाहर निकल जाएगा सुबह पेशेंट के पेट से, कहाँ अंदर गटकू मैं, पेशेंट के पेट में थूक देते हैं, खुला हुआ था पेट, ऑपरेशन चल रहा था। तो मैंने कहा क्या ही होगा, मैंने कहा क्या ही होगा, थूक दे, मैंने कहा, मगर पेट में ही थूकना, कहीं बाजू में पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, लीवर, हार्ट में मत थूक देना। तो उसने धीरे से थूक दिया उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में मेरा मतलब है पेट में, ठीक है, थूक दिया उसने। अब सुबह पेशेंट उठा ही नहीं, पेशेंट का हो गया टाणा टा टा टाणा 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 टाणा, पेशेंट भाई हमारे चल बसे स्वर्गवास हो गए, पेशेंट पेशेंट जी हो गए स्वर्गवास। अब लायबल कौन होगा, लायबल कौन होगा, ये जो कांड हुआ है ये कांड के लिए लायबल कौन होगा भाई, मैं लायबल होगा कि वो वाला डॉक्टर लायबल होगा, क्या लगता है लायबल कौन होगा, लायबल कौन होगा दोस्त? तो आंसर इज मैं लायबल रहूंगा, बिकॉज वो नेग्लिजेंट है, लेकिन मेरी भी तो कुछ जवाबदारी बनती है कि नहीं, और वो नेग्लिजेंट था मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है। तो अगर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर नेग्लिजेंट है जो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है तो आप ही उसके लिए लायबल रहते हैं, ठीक है। श्रुति कहती है छी इतना गंदा एग्जाम्पल, श्रुति कहती है छी इतना गंदा एग्जाम्पल, बेटा तेको देखना श्रुति, ऐसा पति मिलेगा जो गुटके से इतना प्यार होगा उसको, इतना गुटका खाएगा वो, फिर तू बोलना छी ऐसा एग्जाम्पल, सर ऐसा पति मिलेगा देखना तू, वो ना तेरे से शादी भी पंडित जी माला वो कर रहे होंगे ना श्रुति, कि ये क्या कहते हैं घूमो, क्या कहते हैं उसको, वर वधू को बुलाइए, तो वर वर बोलेगा पंडित जी 2 मिनट गुटका थूक के आ रहा हूं, तो ऐसा वाला रहेगा तेरा पति। स्टेज में सारे जब आते हैं ना, तू खड़ी रहेगी ना तेरे पति के पास, स्टेज में सारे आते हैं ना मिलने के लिए, तेरा पति बार बार एक एक जन कटोरा लेके खड़ा होगा जिसपे तेरा पति, ऐसा पति मिलेगा तेरे को, तू देख लेना, ज्यादा छी छी करी है ना तूने ऐसा एग्जाम्पल का, तो देख बेटा श्रुति तेरे को ऐसा पति मिलेगा। चलिए ओके चलिए भाई, इसका इस केस का नाम नहीं है यार, इस केस का सच देयर इज नो नेम एवरीवन, है ना, ये बस ऐसा एक केस हुआ था, एक इसका कोई नाम ऐसा है नहीं एग्जैक्टली, इस आपकी बुक में दिया नहीं है, मैंने भी कभी ढूंढा नहीं कि कौन से नाम में दिया है, बट यस ये है, ठीक है, ये नाम है मेरे दोस्तों, करेक्ट है। तो ये बात आपको क्या रखना है, याद रखना है मेरे दोस्तों कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की गलती के लिए, वैसे तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर पर्सनली लायबल होता है, लेकिन 3 केसेस में एम्प्लॉयर लायबल होता है, जब उसी ने उसको टॉर्ट करने कहा हो, जब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हो, और जब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर नेग्लिजेंट हो और आपको साफ साफ पता हो, ठीक है, याद रखना। चलिए ओके हाँ निधि, मैं बोल सकता हूँ उसको, यस ओके, लेकिन मैं भी शामिल था ना निधि उसमें, तो इक्वल गिल्ट हो जाता है, जब आप भी शामिल हैं उस चीज में तो क्या है कि निधि जी, है ना, निधि कह रही है कि आप उससे भरपाई ले सकते हो ना सर,
ऐसा रहता है कि जब आप शामिल हैं उस चीज में तो मुश्किल होता है, फिर कोर्ट डिसाइड करती है कौन कितना करेगा, बट मेनली आप लायबल रहेंगे। अच्छा आप ध्यान देंगे सब लोग, अच्छा मान लो मेरा इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर नेग्लिजेंट है और मुझे पता ही नहीं है, लो कर लो बात, अब कौन लायबल होगा क्या लगता है? मान लो मेरा इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर नेग्लिजेंट है, मेरे को ये बात का कोई अंदाजा नहीं है, मेरे को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि वो नेग्लिजेंट है, मैं तो उसके भरोसे हूं, अब कौन लायबल होगा? तो ऐसे केस में तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर स्वयं लायबल होगा। अगर आपका इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर नेग्लिजेंट है लेकिन इसका आपको कानो कान खबर नहीं है, इसकी आपको कानो कान पता नहीं कि वो नेग्लिजेंट है, कानो कान खबर नहीं कि वो बेपरवाह है, लापरवाह है, और कोई गड़बड़ हो गई रे बाबा, तो लायबल तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर खुद होगा। सर एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल ठीक है, ठीक है, अब ध्यान देना सारे। सुमित कहता है हमारी हर एक बैच में एक ना एक निधि होती है। बेटा मैं स्पेशल बुलाता हूँ सारी निधियों, निधि नाम की जितनी लड़कियां ना उनको स्पेशल इनविटेशन रहता है मेरी तरफ से, आओ बेटा तुम ही हो जो मेरे को मेरी एक्स की याद दिलाओगे, आ जाओ। निधि नाम से बहुत अचूक रिश्ता है हमारा, अचूक मामा, मामा बन गया हूं ऐसे में, पता है निधि नाम की एक लड़की थी ऑफिस में आती थी मेरे, हमारा चल रहा था थोड़े दिन, चला था अच्छा था सब सेट था सब, बट उसको जल्दी शादी करनी थी, मेरे को लेट करनी थी, तो उसका हो गया, उसकी हो गई शादी, बच्चा भी हो गया, अब तो मैं बन गया हूँ मामा, लड़का हुआ उसका। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट पता है क्या है, मेरे को बच्ची करनी है एक लड़की, और मेरी लड़की को बोलूंगा पटाओ उसके लड़के को, पटाओ उसके लड़के को मैं बोलूंगा, मेरी पत्नी नहीं बन सकी, समधन तो बना ही सकता हूँ, है कि नहीं? जब पत्नी ना बना पाओ तो समधन बनाओ, समधन मतलब समझ रहे हो ना, पत्नी बन नहीं पाई वो तो उसका बेटा हुआ है, अपनी बेटी बनाऊंगा, बनाऊंगा मतलब बेटी करने का है अपने को एक, और बेटी को बोलूंगा पटा उसके लड़के को, समधन जी समधन जी, फिर रिश्ता बनाएंगे अपन समधन जी। चलिए ओके, अभी ध्यान देंगे ये सब घटना, ओके जी। निधि कहती है मैं निधि नहीं हूं, मैं परीक्षा हूं। अच्छा ठीक है ओके, अभी ध्यान देना। चलिए ओके, रेनू का कहती है फिर आपकी वाइफ आपको देख लेगी, ठीक है ना, देखने दो ना, क्या दिक्कत है। अरे यार अभी पढ़ाई करते हैं, आ जाओ। अभी एग्जांपल देता हूं कि जब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर नेग्लिजेंट है और आपको कानो कान खबर नहीं उसके बारे में, कानो कान खबर नहीं, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर नेग्लिजेंट है और इसके बारे में आपको कानो कान खबर नहीं, कानो कान खबर नहीं आपको, ठीक है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर नेग्लिजेंट है और इस बात की आपको कानो कान खबर नहीं है, अब ऐसे केस में क्या होगा दोस्त, ऐसे केस में क्या होगा दोस्त, कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रेक्टर है तो नेग्लिजेंट लेकिन इस चीज की आपको कानो कान खबर नहीं है, क्या होगा ऐसे केस में? सब लोग ध्यान देना। मान लीजिए इसका केस हुआ था, एक केस का नाम था फिलिप वर्सेस ब्रिटानिया हाइजीनिक लाउंड्री कंपनी का। इस केस में क्या हुआ था सुनना, जैसे मान लो मैं ही हूं, मैंने क्या किया, एक मेरी गाड़ी ना खराब हो गई, तो मैं ना, मैं नहीं, चलो क्लास में से किसी का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, क्लास में भक्ति का एग्जाम्पल लेते हैं, चलो भक्ति का, ठीक है, भक्ति का एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो अपनी क्लास में भक्ति है ना, भक्ति, भक्ति की गाड़ी खराब हो गई, ठीक है, भक्ति की गाड़ी खराब हो गई, भक्ति की गाड़ी के ब्रेक नहीं लग रहे थे, भक्ति की गाड़ी के ब्रेक नहीं लग रहे थे, ठीक है, भक्ति की गाड़ी जो है उसके ब्रेक नहीं लग रहे थे, वैसे लड़कियां ब्रेक लगाती नहीं है, उनके पैर काफी होते हैं, पैर वैसे उनके काफी होते हैं, बट फिर भी भक्ति ने कहा कि चलो पैर तो मेरे हैं ही एक ब्रेक, बट दूसरे ब्रेक जो है वो असली भी तो होने ही चाहिए ना, तो भक्ति की गाड़ी के ब्रेक नहीं लग रहे थे, ठीक है, अब भक्ति को जो आदत पैर से रोकने की है, लेकिन इसने आदत सुधारी अपनी, गाड़ी के ब्रेक भी इस्तेमाल करने लगी है ना, वैसे लड़कियों की ड्राइविंग स्किल सुपर्ब होती है, सुपर्ब होती है गाइस, इट्स सुपर्ब यार, मतलब यार माइंड ब्लोइंग ड्राइविंग स्किल्स होती है, इंडिकेटर लेफ्ट का देते हैं और सीधा चलते रहते हैं, ठीक है, इंडिकेटर कभी राइट का देते हैं तो लेफ्ट मुड़ जाती हैं लड़कियां, बहुत ड्राइविंग स्किल्स यार, डैम सुपर्ब है ना, वो एक मीम आया था ना, लड़की को कहता है, इसका स्टैंड निकला हुआ रहता है, तो एक लड़की को कहता है मैडम स्टैंड, तो लड़की खुद उड़ जाती है, लड़की खुद उड़ जाती है ना, है ना। चलिए ओके, ध्यान देना अभी, है ना, अभी ध्यान देंगे सारे, ओके नाउ ध्यान देना। तो ये जो अपने भक्ति जी हैं, इनका गाड़ी का ब्रेक खराब हो गया, ये चली गई कॉन्ट्रैक्टर के पास, मान लो मैं हूं कॉन्ट्रैक्टर, आई एम द कॉन्ट्रैक्टर,
ये आई मेरे पास, कहती है भैया मेरा ब्रेक खराब हो गया, ब्रेक ठीक कर दो मेरा। मैं कहा ठीक है कर देते हैं मैडम जी। मैं कहा ब्रेक कौन सा खराब हुआ, आगे का पीछे का? कहते वो नहीं पता आप देख लो, ब्रेक नहीं लगता कई बार। मैं कहा मैडम आपके देखो जूते ज्यादा घिस गए हैं आपके, इसलिए ब्रेक नहीं लग रहा है, चलो हटाओ। मैंने कहा कि मैडम आपका जो ब्रेक है इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें ना ये कम है वो कम है। मैंने कहा मैं ठीक कर देता हूँ, आप आधे घंटे में आओ। भक्ति जी कहती है मैं साइड में समोसे खा के आती हूँ, जब तक आप ठीक करके रखिएगा। मैं कहा ठीक है मैं ठीक कर देता हूँ, आप समोसे वमोसे खा लो बढ़िया पेल के। अब वो आ गया, मैंने ढंग से लापरवाह तरीके से ठीक कर दिया, लापरवाह। बात छोड़ यार छोड़ यार, मैंने कहा वैसे इसको पैर से रोकनी है गाड़ी, छोड़ मैंने कहा क्या ब्रेक लगाना, नहीं लग रहे थे ब्रेक मेरे को पता था, बट मैंने ढंग से रिपेयर नहीं किया, छोड़ दिया ऐसी। अब ये समोसे उसे खा के आई, कहती है सर मेरी गाड़ी ठीक हो गई। मैं कहा ठीक हो गई भक्ति जी, आप जा सकती हैं, दे दो 100 रुपए का चंदन, दे दो 100 रुपए लग गए हैं गाड़ी के, आप जाओ। भक्ति से मैंने 100 रुपए लिए, भक्ति जी गाड़ी लेके निकली। मैं निकली ओ गड्डी लेके, ऐसा भक्ति जी गाड़ी का ना, ओ रस्ते पे ओ एक सड़क विच एक मोड़ आया, एक मोड़ आया। भक्ति जी गाड़ी लेके जा रही है, पापा की परी रोड में चल रही है, और पापा की परी जैसे ही रोड में चल रही थी अचानक से ना एक गड्ढा दिखा, तो भक्ति जी ने सोचा मैं ब्रेक लगाती हूँ, ब्रेक लगा नहीं, गड्ढे से भक्ति जी ऊपर पापा की परी थोड़ा सा उड़ के वापस जमीन पे आई। उसके बाद सामने से आ रही थी एक गाड़ी, सामने से आ रही थी एक गाड़ी, गाड़ी का नाम था मर्सिडीज एस क्लास। अब भक्ति जी जो थी वो सोची क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कोई चॉइस नहीं है भक्ति जी के पास। पूरी कोशिश कर ली पैर से रोकने की, ब्रेक मारने की, दोनों ब्रेक मार लिए, ब्रेक नहीं लग रहा, ठोक दी गाड़ी, है ना, मर्सिडीज एस क्लास को ठोक दिया। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि लायबल कौन होगा, मर्सिडीज को जो ठोका है उसके लिए भक्ति जी लायबल रहेगी कि मैं लायबल रहूंगा? भक्ति जी लायबल रहेगी कि मैं लायबल रहूंगा? भक्ति जी लायबल रहेगी कि मैं लायबल रहूंगा? तो अब भाई मैं लायबल रहूंगा यहाँ पे, क्योंकि भक्ति जी को पता नहीं है कि मैं नेग्लिजेंट हूं। अगर पता होता भक्ति जी को मैं नेग्लिजेंट हूं तो भक्ति जी लायबल होती, लेकिन भक्ति जी को पता नहीं है मैं नेग्लिजेंट हूं, नहीं पता भक्ति जी को इस बारे में। भक्ति जी तो ये थॉट में थी कि मोदी सर ने गाड़ी अच्छी सुधार दी है, तो इसलिए लायबल तो भैया मैं रहूंगा, याद रखना, तो लायबल मैं रहूंगा। यही केस था फिलिप वर्सेस ब्रिटानिया हाइजीनिक लाउंड्री कंपनी का, कि यही डिसाइड हुआ था इसमें कि भैया 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 अगर अगर लॉस हो जाता है गाड़ी का, थर्ड पार्टी की गाड़ी का, इसलिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने ढंग से रिपेयर नहीं किया था, तो कॉन्ट्रैक्टर खुद लायबल है, क्योंकि गाड़ियों में आप समझ नहीं सकते ना वो नेग्लिजेंट है कि नहीं, आपको पता नहीं होता। अरे भक्ति को कैसे पता होगा कि मेरा नेग्लिजेंस है कि नहीं है? तो भक्ति को तो भक्ति तो यही थॉट में थी कि मैंने सही ढंग से रिपेयर किया गाड़ी, अब ब्रेक लगे नहीं, ठुक गई गाड़ी, लायबल मैं रहूंगा क्योंकि मैंने नेग्लिजेंटली रिपेयर किया है। ठीक है ओके सर, मुझे गाना गाना है, निधि कहती है, निधि कहती है मुझे गाना गाना है, तो गाओ। किसने मना किया आपको, गाओ गाना, अभी हमारे को पढ़ाने दो। पर अच्छा लेक्चर के बाद गाना गाना है, ठीक है गवा देंगे, कोई बात है क्या? मेरे को लगा अभी इच्छा हो रही है गाने की, तो गाओ, कोई मना तो मना ही थोड़ी है भाई, मैंने कभी किस चीज के लिए तुम्हें रोका है? जो करना है करो भाई, जीवन है तुम्हारा, बस पढ़ाई के समय पढ़ाई करो। तुम कभी भी बोलोगे मेरे को गाना गाना है, कभी भी बोलोगे डांस करना है, कभी भी बोलोगे सर मेरे को गर्लफ्रेंड बनाना है, बॉयफ्रेंड बनाना है सर, बनवा के दो, मतलब ये तो हद हो जाएगी ना भाई, ये तो हद हो जाएगी। कई बच्चे क्या करते हैं पता है, मैसेज करते हैं सर सेटिंग करवा के दो। मैं कहता हूँ अबे सालों दलाल वाला लू मैं, सेटिंग करवा के दो क्या होता है ये, है ये क्या तरीका होता है भाई? चलिए ओके, आईजा कहती है सर की खुद की सेटिंग नहीं हो रही, देखो ना सर की खुद की सेटिंग नहीं हो रही, ये भिखारी से भीख मांग रहे हैं, ऐसी बात हो गई, ऐसी बात हो गई ना, तो भिखारी से भीख मांग रहे हो आप, कह रहे हो सर भिखारी को, कह रहे हो पैसे दे दे भाई थोड़े, हद है मतलब। चलिए जी ओके, अभी ध्यान देंगे सब लोग, तो यहां तक की बातें जो है ना, यहां तक की बातें जो है बहुत ही बढ़िया थी, मस्त थी, शानदार थी, जबरदस्त थी। ओके ओके गाइस,
वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस आ तो रही है, बढ़िया आवाज आ रही है यार। चलिए तो यहां तक की बातें, आई होप इट्स वेरी क्लियर, प्रिटी क्लियर गाइज, यहां तक जो है सारी चीजें आपको प्रिटी क्लियर है। चलो आज, अब कल देखो ज्यादा हमारा कुछ बचा नहीं है, दो लेक्चर में खत्म हो जाएगा। अगला लेक्चर मेरा मोस्टली सीधा ट्यूजडे को होगा, कल और परसों में लेक्चर नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। मुझे माफ करना, ओम साई राम। तो कल और परसों मेरा मोस्टली लेक्चर नहीं होगा, सीधा मैं लेक्चर लूंगा ऑन ट्यूजडे, ट्यूजडे और वेडनेसडे को खत्म हो जाएगा, थर्सडे से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। लेकिन आज मैं अभी अभी आपसे कुछ एमसीक्यूज करवाना चाहता हूँ, कुछ एमसीक्यूज कराना चाहता हूँ। अभी 15 मिनट हम एमसीक्यूज करेंगे, चलो सब लोग आ जाओ भाई, 15 मिनट एमसीक्यूज करेंगे शिद्दत से एकदम, हाँ प्यार मोहब्बत से, सबका सबको आंसर देना है। और मैं अभी ऐसे ही एमसीक्यू एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो सबको आंसर देना रहेगा जितने मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, एकदम शिद्दत से, हाँ कोई मस्ती मजाक में नहीं लेगा, अब बिल्कुल मस्ती मजाक में किसी ने लिया है तो मेरे से भाई चपेट खाने के लिए रेडी हो जाओ तुम। अगर किसी ने लिया है ना मस्ती मजाक में, तो तैयार हो जाओ मोदी सर से चपेट मिलने के लिए, ठीक है। ओके ओके बॉस, चलिए बॉस, अब ये टफ टफ क्वेश्चन पूछूंगा, टफ टफ क्वेश्चन पूछूंगा दोस्त, ठीक है। एक मिनट रुकना, मैं एमसीक्यू निकाल लूं थोड़े और। मैं विचंगा मेरा प्यो, चंगा मेरी माँ, विचंगी रिश्तेदार, बड़े अच्छे होते हैं। आ जाओ जी, यस, चलो यही क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत है। अच्छा सबसे पहला, टॉर्ट कौन सा लॉ है, कोडिफाइड की अनकोडिफाइड? कोडिफाइड मतलब जो एक्ट बना के पास होता है उसे कहते हैं कोडिफाइड, अनकोडिफाइड मतलब जो जजेस बनाते हैं, अनरिटन होता है। तो लॉ टॉर्ट कौन सा है, कोडिफाइड है कि अनकोडिफाइड? इसको प्रॉपर एक्ट बनाया है, एक्ट बना के पास किया गया मतलब कोडिफाइड, और जो जजेस बनाते हैं उसे कहते हैं अनकोडिफाइड। तो टॉर्ट कौन सा है दोस्त, तो टॉर्ट इज अनकोडिफाइड, याद रखना इस बात को। अच्छा टॉर्ट डिराइव हुआ था लैटिन वर्ड से, ठीक है, टॉर्ट डिराइव हुआ था लैटिन वर्ड से, ठीक है, टॉर्ट डिराइव हुआ था लैटिन वर्ड से। वो लैटिन वर्ड कौन सा है, टॉर्टम, टुर्टुन, टुर्टुन, टुर्टुस, टुर्टनी, ट्र, ट्र, जेठालाल में एक बार आया था ना, जेठालाल, तारक मेहता, टुन्न बाबा, है ना। तो यस, टॉर्ट कहां से आया था, टॉर्ट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड टॉर्टम, इज द राइट आंसर, ए इज द आंसर। थर्ड का, टॉर्ट मींस क्रिमिनल रॉन्ग, सिविल रॉन्ग, अनलॉफुल रॉन्ग की अनलॉफुल एक्ट, बताइए जी टॉर्ट क्या है, क्रिमिनल रॉन्ग है कि सिविल रॉन्ग है कि अनलॉफुल एक्ट है कि क्या है? तो आंसर इज टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड गाइश, वंडरफुल गाइश, बहुत बढ़िया गाइश, क्या बात है गाइश। तलवारों पे सर वार दिए, चलो नेक्स्ट है। टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इज डिजाइंड अंडर डैश ऑफ लिमिटेशन एक्ट, कौन से सेक्शन में बताया हुआ है कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जो ना तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ये कौन से एक्ट में बताया हुआ है, बताइए कौन से एक्ट में ये बताया हुआ है? तो आंसर इज ये बताया हुआ है लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज M में, ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज M में। तो ए इज द राइट आंसर फॉर 5th क्वेश्चन, ए इज द राइट आंसर, वेरी गुड। 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ टॉर्ट, इनमें से किसने टॉर्ट को डिस्क्राइब नहीं किया, इनमें से किसने टॉट को डिस्क्राइब नहीं किया? सालमन फ्रेजर, विनफील्ड ग्लोस्टा, इनमें से किसने टॉट को डिस्क्राइब नहीं किया? तो आंसर इज ग्लोस्टा ने डिस्क्राइब नहीं किया, विनफील्ड ने किया है, सालमन ने किया है, फ्रेजर ने किया है, इन तीनों ने किया हुआ है, ठीक है, इन तीनों ने किया हुआ है, सलमान ने भी किया है, फ्रेजर ने भी किया है, विनफील्ड ने भी किया, इन तीनों ने किया हुआ है, ग्लोस्टर ने नहीं किया है ना, ग्लोस्टर ने नहीं किया, ठीक है दोस्त, ग्लोस्टर ने नहीं किया। अच्छा टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग बट ऑल सिविल रॉन्ग आर नॉट टॉर्ट, ट्रू और फॉल्स? टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग बट ऑल सिविल रॉन्ग आर नॉट टॉर्ट, ट्रू और फॉल्स, बताइए आप लोग बताओ, आप लोग बताओ। टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है बट सारे सिविल रॉन्ग टॉर्ट नहीं होते, सही है कि गलत है? अनुजा जी कहां देख रहे हो, इधर उधर, अनुजा जी कहाँ देख रहे हो आप, इधर उधर, हाँ जी दिख रहे हो आप, रौनक पवार कसक का है रे भाऊ,
चलिए ओके नाउ ध्यान देना था, यस टॉट एक सिविल रॉन्ग है और सारे सिविल रॉन्ग जो है टॉट नहीं होते, एकदम ट्रू है. दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू ट्रू. क्यों ट्रू है ये, क्यों ट्रू है ये बताओ, क्यों ट्रू है ये. ये ट्रू इसलिए है क्योंकि बहुत सारे प्रकार के सिविल रॉन्ग होते हैं, जैसे किसी की प्रॉपर्टी कब्जा कर लेना, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लेना. सारे सिविल रॉन्ग थोड़ी टॉट होते हैं, लेकिन टॉट सिविल रॉन्ग है. अच्छा, कंडीशन फॉर लायबिलिटी ऑफ टॉट इज, टॉट होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है. रॉन्गफुल एक्ट, लीगल डैमेज, लीगल इंजुरी, ऑल ऑफ दीज. बताओ टॉट होने के लिए क्या क्या जरूरी है. तो ये लीगल इंजरी को लीगल रेमेडी कर दो, लीगल इंजरी, ये बी ऑप्शन को लीगल रेमेडी कर दो, बी ऑप्शन को लीगल रेमेडी कर दो. बताओ तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज इज द आंसर, ऑल ऑफ दीज इज द आंसर. चलो ठीक है ओके. रॉन्गफुल एक्ट में क्या क्या आता है बताओ, रॉन्गफुल एक्ट में क्या क्या आता है. राइट टू रेपुटेशन, राइट टू बॉडीली सेफ्टी एंड फ्रीडम, राइट टू प्रॉपर्टी आर वायलेटेड, ऑल ऑफ दीज. रॉन्गफुल एक्ट में क्या क्या आता है, रॉन्गफुल एक्ट में क्या क्या आता है, मतलब क्या क्या हार्म करना रॉन्गफुल एक्ट में आता है, ऐसा इंटरप्रिटेशन है उसका. तो क्या क्या हार्म करना रॉन्गफुल एक्ट में आता है, रेपुटेशन हार्म करना रॉन्गफुल एक्ट में आता है, बॉडीली सेफ्टी फ्रीडम हार्म करना, प्रॉपर्टी हार्म करना, कि इनमें से कुछ भी हार्म करना, बताओ जरा. तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज इज द आंसर, डी इज द राइट आंसर. वेरी गुड, ठीक है बहुत बढ़िया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीनिंग ऑफ डेमनम, इसमें से डेमनम का क्या मीनिंग नहीं है, इसमें से डेमनम का क्या मीनिंग नहीं है. डेमनम, डेमनम मतलब डैमेजेस, इसमें से क्या डैमेजेस का मीनिंग नहीं है. हार्म, लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी, लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ कंफर्ट एंड हेल्थ, इंफ्रिंजमेंट ऑफ राइट कन्फर्ड बाय लॉ ऑन द प्लेंटिफ, इनमें से क्या डैमेजेस का मतलब नहीं है. पहला हार्म डैमेजेस का मतलब नहीं है, कि लॉस ऑफ मनी डैमेजेस का मतलब नहीं है, कि लॉस ऑफ कंफर्ट एंड हेल्थ डैमेजेस का मतलब नहीं है, कि आपका हक छीन लेना, आपका हक छीन लेना डैमेजेस का मतलब नहीं है. बताओ तो अगर आपका हक छीना जाता है तो इसे इंजरी कहते हैं, तो ये डैमेजेस का मतलब नहीं है. आंसर इसका होगा डी बेटा, आंसर इसका क्या होगा, डी. है ना, लॉस होना, हार्म होना, पैसे, हेल्थ, कंफर्ट, मनी जाना, ये सब डैमेजेस में आता है. अगर आपका राइट छीना जाता है तो ये इंजरी में आता है, उसे इंजुरिया कहते हैं. तो डी विल बी द राइट आंसर ऑफ टेंथ. टेंथ का राइट आंसर क्या होगा, डी. टेंथ का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा. चलिए इलेवेंथ, डेमनम साइन इंजुरिया का मतलब क्या होता है. डैमेजेस विदाउट लीगल इंजरी, डैमेजेस विद लीगल इंजरी, लीगल इंजरी विदाउट डैमेजेस, लीगल इंजरी विद डैमेज. बताइए डेमनम साइन इंजुरिया का क्या मतलब होता है, डेमनम साइन इंजुरिया का क्या मतलब होता है. तो आंसर इज डेमनम साइन मतलब डैमेजेस विदाउट लीगल इंजरी. ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर. इसका मतलब होता है डैमेजेस विदाउट इंजरी. और इंजुरिया साइन डेमनम का क्या होता है ये भी बता दो. ट्वेल्थ, इंजुरिया साइन डेमनम का क्या होता है, तो इंजुरिया साइन डेमनम का होता है, जल्दी बताओ, इंजुरी विदाउट डैमेजेस, लीगल इंजुरी विदाउट डैमेजेस. तो ट्वेल्थ का बी हो जाएगा, ट्वेल्थ का बी हो जाएगा. क्या बात है, बहुत सही बेटा, बहुत सही. नेक्स्ट है, चलो ये वाला तो हुआ नहीं अपना, ये वाला बताओ. मेंस रिया का मतलब होता है एक्टस नॉन फैसिटरियम नीसी मेंस रिट्रिया, ट्रू की फॉल्स. मेंस रिया का क्या मतलब होता है, एक्टस नॉन फैसिटरियम नीसी मेंस रिट्रिया, ट्रू की फॉल्स, ट्रू की फॉल्स. तो आंसर इज ट्रू. वेरी गुड, गुड 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 गुड. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलिए ये वाला क्वेश्चन आंसर, ये वाला क्वेश्चन बताना. मेंस रिया के क्या एक्सेप्शन है, मेंस रिया के क्या एक्सेप्शन है, मेंस रिया मतलब होता है कि आपकी गलती होती है तो ही लायबल होते हैं, और इसके एक्सेप्शन मतलब जो आपकी गलती नहीं होगी तो भी आप लायबल होंगे. तो इसके एक्सेप्शन में क्या क्या आएगा, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आएगा, विकेरियस लायबिलिटी आएगा, विकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट आएगा, और डी को कर देना ऑल ऑफ द अबव. डी को नन ऑफ दीज मत इंटरप्रेट करो, उसको इंटरप्रेट करो ऑल ऑफ द अबव. तो आंसर क्या होगा बताओ, आंसर क्या होगा. तो देखो वैसे तो मेंस रिया में जब आपकी गलती होती तो ही लायबल होते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में हमने देखा इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की वजह से पानी चला गया था तो भी हम लायबल होते. विकेरियस लायबिलिटी करे कोई और भरे कोई और, मेरी गलती नहीं थी तो भी मैं लायबल. विकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट हम पढ़ने के हैं, बट इसका कंसेप्ट भी यही है कि सरकार के नौकर की गलती सरकार लायबल.
तो ये तीनों ही इसके एक्सेप्शन है, तीनों ही इसके एक्सेप्शन है, ठीक है, तीनों ही इसके एक्सेप्शन है। अच्छा, पब्लिक राइट्स ब्रीच करना जिससे पूरी कम्युनिटी अफेक्ट होती है, ये टॉर्ट है कि क्राइम है कि दोनों है? पब्लिक राइट्स ब्रीच करना जिससे पूरी कम्युनिटी अफेक्ट होती हो, ये टॉर्ट है कि क्राइम है कि दोनों है? हैं जी, तो यस यस, याद रखना ये होता है क्राइम भैया, ये होता है क्राइम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। चलो बाकी के बाद में कराऊंगा, आज के लिए या फिर रुकते हैं, एक आधी कोई देख लेता हूं, एक आधी कोई देख लेता हूं। अच्छा, आप में से कितने लोग थे जिनको पूरे सही मिले, पूरे सही आए, जिनके पूरे सही आए, एक भी गलत नहीं हुआ, आप में से कितने लोग थे ऐसे? बहुत बढ़िया, जितनों के पूरे सही हैं, बहुत बढ़िया, लगे रहो इसी तरीके से, वेरी गुड, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। एक आधी गलत आया चलता है, और इंप्रूव करो, हो जाएगा, बट दो दिन में अपना टॉट कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करेंगे फिर मस्त ने, ठीक है, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर। किसे गाना था? निधि को गाना गाना था, निधि जी को गाना गवा देंगे, निधि जी को गाना गाना है, चलो निधि जी गाई लो यार, आप भी क्या याद रखोगे, गाओ गाना, निधि जी गाना गाना चाहती है, निधि जी को एक मिनट रुक जाओ, निधि जी गाना गाना चाहती है, निधि जी को गाना गवा देते हैं। हाय सर, हेलो सर, आई एम ऑडिबल? हाँ निधि, निधि जी आ रही है आपकी आवाज। सर मैं प्रेक्षा हूँ, मैं तो आपकी मजा लेने के लिए मैंने निधि डाला था। मेरी मजा लेने के लिए? इतनी बड़ी हो गई अब तो, कि सर के मजे लेने हैं बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रेक्षा बेटा, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं सार्कज़म में बोल रहा हूँ, मस्ती में बोल रहा हूँ मैं, थैंक यू सर, ओके। सुनाओ गाना सर, आपका फेवरेट बोलो ना। मेरा फेवरेट हनी सिंह वॉल्यूम वन। सर हम संस्कारी बच्चे ऐसे गाने नहीं गाते, जाने दो, अभी मेरे हिसाब से ही मैं गाती कोई तो ठीक है, ओके ओके, सुनाइए। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर, कि तेरी सांस चलती जिधर, रहूंगा बस वही उम्र भर, रहूंगा बस वही उम्र भर है। थैंक यू सर। क्या बात है, कहाँ से हो आप? मैं नासिक से हूँ सर। अरे बहुत प्यारा गाया आपने, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया प्रेक्षा जी, थैंक यू सर। फॉलो बैक करो ना, आप फॉलो बैक ही नहीं करते हो। फॉलो बैक करें? हाँ सर, यार आईडी पासवर्ड दे देता हूँ सबको, कर लो तो ठीक है, कर देंगे यार, कोई बात है क्या, फॉलो बैक कर देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। बोलते हो कर दूंगा, करते नहीं हो। अरे कर देंगे मैडम, कोई बात है क्या, फॉलो बैक में ऐसा कुछ है क्या? आराम से कर देंगे, टेंशन मत लो। एक दिन नाइट मैराथन करेंगे ना, उसमें जितने लोग अटेंड करेंगे ना, अभी करते हैं उसको, अगले वीक में नाइट में एक आध लेक्चर रखते हैं सेक्सी सा, ठीक है, कम्युनिकेशन का एक आध टॉपिक कराता हूँ रात में, उसको जितने लोग देखेंगे ना, फिर जितने मैसेज करेंगे ना, सबको कर दूंगा, पक्का प्रॉमिस, ठीक है। डन, देखते हैं सर, अभी आप करते हो या नहीं। सर, एकता भी बहुत अच्छा गाना गाती है, उसे बोलो एक बार। कौन? एकता साहू। एकता साहू गर्लफ्रेंड? क्या? आपकी दूर की गर्लफ्रेंड कौन? एकता साहू। कौन सी पी थी आज? सर कौन सा गांजा ना? गांजा ली थी कि चरस की सॉक्स का नशा की है कि फेविकॉल का कि पेट्रोल का, कौन सा की थी नशा? नहीं सर, हमने ना हिस्सा पाड़ लिया है कि मोदी सर अबर सर की दूर की गर्लफ्रेंड में हूँ, और मोदी सर की दूर की गर्लफ्रेंड एकता। अच्छा, ऐसा हिस्सा बांट लिया सर को बिना बताए
है मतलब सर से क्या लेने देना है ना। बहुत बढ़िया। और अब्बड़ सर तो शादीशुदा है। हाँ सर मैं बाहर वाली हूँ। ओ भैंस की आंख, भाई साहब भाई साहब भाई साहब, हद है मतलब। ओ हो, मैं बाहर वाली हुई, एक नंबर बेटा, सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, मौज कर दी बेटा तूने, जुग जुग जियो। बॉयफ्रेंड है तेरा? हेलो, होगा पक्का, तभी कुछ बोल नहीं रही अभी। हेलो, ओ निकल गई भाई बहन जी, बहुत बढ़िया, पक्का होगा, मेरे को तो लगता है क्लास में होगा इसलिए बोले चलो अभी यहां से। चलो ठीक है, ओके जी। किस कौन? एकता, एकता अभी आप गाना, कल गाना, आज के लिए डन करते हैं अभी। एकता कल पक्का, कल मतलब ट्यूसडे को, ठीक है ओके। चलिए अभी के लिए डन करते हैं, थैंक यू सो मच, टाटा टेक केयर। हर्ष कह रहा है रैप गाओ रैप गाओ रैप गाओ। भाई रैप मैं कभी और सुनाता हूँ पक्का, आज कोई और सॉन्ग सुना दूँ हर्ष? ठीक है हर्ष, एक छोटा सा एक गाना सुनाता हूँ फिर आज के लिए डन करते हैं, ठीक है ओके। प्यारा सा सुनाऊँ, प्यारा सा एक गाना सुनाऊँ आपको? चलो सुनो, सुनिए भाई। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। चलिए ओके बाय एवरीवन, टेक केयर। जिन लोग जितने लोगों को मेरे साथ गाना है पक्का गाएंगे, प्रॉमिस है ना, बहुत लंबा सफर है अपना, सो चिलैक्स रिलैक्स, ठीक है एवरीवन। चलिए ओके बाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड स्टडिंग वेरी वेल एट होम। और हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, और हमें मिस करते रहिए, 2 दिन हमारा लेक्चर होगा नहीं तो आई होप। बताओ मिस करते हो कि नहीं, सच्ची बताओ, सच्ची बताओ, या मैं मिस करते हो कि नहीं बताओ? ऐसे लेक्चर वेक्चर नहीं हुआ तो याद आती है कि नहीं यार आज लेक्चर नहीं है, ऐसे ऐसे दुख होना चाहिए यार, तो मैं, अच्छा लगता है मेरे को कि हाँ भाई करते हो ना, बहुत बढ़िया। चलिए ओके भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वंडरफुल। चलिए जी ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर, ठीक है फिर अपन लोग मिलते हैं कल। अच्छा अभी ना एक टास्क देता हूँ मैं आपको, ठीक है, एक टास्क देता हूँ, एक टास्क दू, पक्का पक्की बात? चलो एक टास्क देता हूं मैं आपको, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, एक सिंपल से काम करना है, एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा काम करना है, कि जब पढ़ रहे हो ना, जब पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ते पढ़ते अपनी एक फोटो खींचनी है और उस फोटो को इंस्टा पे अपलोड करना है मेरे को टैग करके, फिर सबको मैं रिपोस्ट करूंगा, तो इससे दूसरों को क्या इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ भाई हमें भी पढ़ाई करनी है, ठीक है? तो सब लोग को करना है, ठीक है, आज कल परसों नरसों कभी भी, ठीक है ओके। चलो टाटा बाय बाय, ओके गाइस। इंस्टा पे जो नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप फेंक देना, व्हाट्सएप में मैसेज दे देना आप मेरे को कि सर पढ़ाई अच्छी चल रही है, ठीक है जी ओके बाय, टाटा टेक केयर। कोई कहता है सर सिर्फ फोटोज के लिए बुक निकालेंगे हम, अबे ऐसे नहीं, सिर्फ फोटोज के लिए नहीं निकालना है, सच्ची में पढ़ना है, कभी नो फोटोज के लिए बुक निकालेंगे बस। चलिए बाय टाटा, मिलते हैं फिर, टेक केयर, बाय बाय, विल मिस यू, बाय एवरीवन। अबे जाओ ना, क्या कर रहे तुम अभी तक, जितनी बार बाय बोल दिया मैंने अभी भी खड़े बस। हाँ नहीं सर, हम जब तक एंड का बटन नहीं दिया ना हमारे को, जब तक आएगा नहीं द मीटिंग हैज बीन एंडेड, तब तक हम यहीं रहेंगे सर। नहीं मैं, तुम लोग जाओ, आज मैं देखना चाहता हूँ, तुम जाओ, सारे जाओ, सारे जाओ, जल्दी जल्दी से जाओ, फिर मैं एंड करूंगा बाद में, लास्ट में करूंगा मैं एंड, मेरी मर्जी भाई।
हद है भाई, मतलब सब ये होते हैं, इनको ज्यादा चुल होती है जो अभी तक बैठे हो ना, कि और क्या बता रहे हैं सर, देखें तो सही और बोल क्या रहे हैं सर, पता तो चले भाई हमारे को। चलिए ओके, चलिए जी फाइनली मिलते हैं, एंड विल सीरियसली मिस यू ऑल, है ना। सो मिलते हैं फिर बहुत जल्द, एंड पढ़ते रहो अच्छे से, अपना ख्याल रखो, पानी ज्यादा पियो, एंड हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। लव यू ऑल, विल मिस यू ऑल, बाय, टेक केयर, टाटा, बाय एवरीवन, बाय।